जय हिंद दोस्तों, आज हम सारा रिफंड की सच्चाई आपको बताने वाले हैं। जो लोग सारा रिफंड के लिए अप्लाई किए थे उनका पैसा अभी तक उनके खाते में ट्रांसफ़र नहीं की गई है या किसी कारणवश उनका आवेदन रिजेक्ट कर दिया गया है, सारा कन्फ्यूजन हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दें, सारा रिफंड का ऑनलाइन पिछले सालों से किया जा रहा है लेकिन अभी तक पहले चरण का प्रोसेस पूरा नहीं की गई है। सरकार को इस मामले पर ध्यान देना जरूरी है क्योंकि इनमें लगभग 13 करोड़ लोगों का पैसा अभी तक फंसा हुआ है। सारा कन्फ्यूजन हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ये सरकार जो समय ले रही है पैसा डालने में, इनके पीछे बहुत सारी बातें हो सकती है। उनमें से एक बात यह है कि इलेक्शन नज़दीक आने वाला है, हो सकता है कि सरकार मामले को घिसते उनके समय तक ले जाए और इलेक्शन के समय पैसा आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाए। यहाँ तक देखा जाए दोस्तों, सारा रिफंड की अंतिम तिथि निर्धारित नहीं की गई है। इसे जो लोग अभी तक ऑनलाइन नहीं किए हैं उनको राहत मिल रही है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों ऑनलाइन किए हैं उनका आवेदन किसी न किसी वजह से रिजेक्ट कर दिया गया है या तो डिफिशिएंसी कैंडिडेट लगाकर उनका पेंडिंग कर दिया गया। अगर अंतिम तिथि निर्धारित रहता तो यहाँ पे गारंटी भी एक मिल सकती थी कि मेरा पैसा इन तारीख से पहले आने वाला है, लेकिन सरकार यहाँ पर कोई अंतिम तिथि निर्धारित नहीं किया गया है। इसे ऐसा लगता है दोस्तों कि ये जो पैसा है बहुत लंबा समय के लिए जाने वाले हैं। तो आपको बता दें कि ऐसा डिफिशिएंसी कम्युनिटी कोड है कि इसमें बताया जाता है कि आपका मेंबरशिप अकाउंट नंबर आपके डाटाबेस से मिल नहीं खाता है। कहने का मतलब दोस्तों, अब सरकार से मांग उठानी पड़ेगी कि जो पैसा निर्धारित समय पर मिलना था उसमें किसी प्रकार का बाधा ना डालें, सीएसओ का जो पैसा है डायरेक्ट उनके खाते में डाली जाए। सारा रिफंड मामले में कोई राजनीतिक न हो क्योंकि इनमें जो पैसा इन्वेस्ट किए हैं वो सभी गरीब और मीडियम परिवार से ही आते हैं, उनका पैसा उन्हें समय पे मिलना चाहिए। ये सवाल मुझे और आप लोगों को सरकार से उठाने चाहिए। बहुत सारा बाय फ्लाई जाती है कि आपका पैसा 7 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, फलाने दिन के अंदर आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी, ये सारा चीज़ झूठ है क्योंकि ये पैसा जो है वेबसाइट पे किसी प्रकार से नहीं बताया जाता है कि आपको 5 दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। ये जो पैसा आपको मिलने वाला है उसमें आपको समय लग सकता है क्योंकि सरकार अपने हिसाब से चलती है। इनमें जो प्रोसेस था, पहले आपको ऑनलाइन करना था, ऑनलाइन करने के बाद आपको 45 दिन के बाद आपको एक सूचना मिलती थी जिसको बताया जाता था कि आपका आवेदन या रिजेक्ट कर दिया गया है, किस वजह से पेंडिंग कर दिया गया है। उसके बाद आपको रिसबमिशन करना था, उसके बाद फिर 45 दिनों के बाद आपके पास फिर से नोटिफिकेशन जाएगा और आप उस नोटिफिकेशन में बताया जाएगा कि फेल हुआ है या अभी भी किसी प्रकार का पेंडिंग है। उसके बाद फिर आपको मौका दिया जाएगा आपको आवेदन पुनः सबमिट करने के लिए। दोस्तों इसी प्रकार से लगभग देखा जाए तो इसमें अभी बहुत समय लगने वाला है। सभी सहारा निवेशकों को अब क्या करना होगा दोस्तों, सरकार से मांग करनी है या तो आपको कंप्लेन करना है कि जो टाइम लगा रहा है उनको कम से कम किया जाए और हम लोगों का जो पैसा है जल्द से जल्द उनके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। इतना डिफिशिएंसी कोड लगाने के बाद लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, क्योंकि ऐसा ऐसा कोड है जिनका समझ पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि उनको समझना, उनके बाद आपको कोर्ट में जाना वगैरह वगैरह, बहुत सारा ऐसा कॉम्प्लिकेटेड कोड है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि इनमें आपको समय लिया जा रहा है। अगर सरकार को पैसा देना होता तो एक दिन में ही ट्रांसफ़र कर सकती थी क्योंकि उनके पास मेंबर आईडी, डाटाबेस, अकाउंट नंबर जो आपके बॉन्ड पेपर पे दिया रहता है सारा उनका रिकॉर्ड से मिल खाता है। अभी नहीं जो दे रही है पैसा, इनका मतलब है ये पैसा आपको बहुत लंबा जाने वाला है, इसलिए आपको क्या करना है, धैर्य बना के रखना है। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, अब तो कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं है कि आपका पैसा इतना दिन के अंदर आपके अकाउंट में चला जाएगा। जैसा ही कोई ऐसा नोटिफिकेशन आता है फिर से नए वीडियो में उपस्थित रहेंगे। Thank you.